सीख रहे हो तो वो स्केल जानो, किशोरदा ने कौन से स्केल में गाया है वो स्केल पहचानो, वो समझ लो कि प प प ध प प स प प प न न र र द र त न न न न न द र र र र र न त त म त त त। मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी ऑफिशियल और स्वर स्वामी ओल्ड वाला दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। सा ग प स प ग स। अरे यार ये तो बड़ा मैच हो गया है, तो हाँ होना ही था क्योंकि मेरे दिमाग में साथ चल रहा है। सा ग प स सा ग प प ग स प ग स प ग सा ग प स। दिल से गाओ खर्च भी लग जाएगा, दिमाग से गाओ पंचम तक लटक जाओगे। दिमाग से पंचम ये करते रह जाओगे, ये नहीं सा प ग सा प सा ग प सा ग प सा ग प। गाना निकलना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए। हर चीज जो है वो निकलनी चाहिए, निकाल के तो कम होती है, निकलती तो ज्यादा होती, करके निकलती है। तो गाना भी ओत प्रोत भरा हुआ रहना चाहिए। रियाज, फिर उस पॉइंट पे आता हूँ, रियाज कितनी करनी चाहिए। तो रियाज दिमाग की आपके जब जब आपका दिमाग उसमें जाता है तब तक करनी चाहिए, चिंतनात्मक रियाज। इसकी रियाज सुबह डेढ़ दो घंटा, शाम को डेढ़ दो घंटा, क्योंकि आपकी बैठक है। अच्छा, और एक राज की बात बोलता हूँ, रियाज कब करना चाहिए। सुबह एक घंटा रियाज बोलोगे, शाम को तीन घंटा रियाज करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम की मेंटेलिटी जो होती है ना वो शाम की ज़्यादा होती है। और जब आपको उस वक्त की उस समय की आदत हो जाएगी नाइट में गाना गाने की, तो आप जब भी प्रोग्राम करोगे तो उसमें आपको 50% तो आपका माहौल का काम हो ही गया रहेगा, क्योंकि नेचुरली आपने जो जब रियाज किया था वो माहौल वही था, रात ही थी, तो वहाँ पर भी रात ही रहेगी, फिर रात की मानसिकता बन जाती है, अरे यार ये तो अपना कैजुअल है। आपको मेहनत आधी करनी पड़ती है, खाली क्या करना है, क्या गाना है, कैसे गाना है, कितना गाना है, क्यों गाना है, कब गाना है, सुर कौन सा लेना है, ये बाकी तो नेचर आपके पास में रहता है कि आपने उसी की आदत डाली हुई रहती है। और जिस आदमी की आदत बार बार हो जाती है उस चीज़ की, वो उसका व्यसन हो जाता है। आपकी रियाज का आपको व्यसन लगना चाहिए, व्यसन का मतलब उसके हैबिट होना चाहिए, आपको उसका सिवाय कोई भी चीज़ ध्यान में नहीं रहनी चाहिए। वही चीज़ है, सर हम तो सर संसारिक आदमी है, पारिवारिक है, तो संसारिक आदमी है तो बैठो मत ना, एक घंटा बैठो, शाम को एक घंटा घूमते संसार कर, इधर घूमते काम वाम करते, रियाज भाजी वाजी लाती नहीं घर की, उस वक्त जाके सोचते रहो ना, गाड़ी पे जा रहे इधर जा रहे, गरे सनी सारे गरे गा बाबा दा मामा गरे सा दादा बाबा बाबा मा गा मामा गरे गरे गा गरे सनी सारे रे सारे नी सा दा रे सा नी रे सा नी सा गरे गा बाबा दा नी सा नी दा मामा गरे सा। ये सोच की रियाज करना है, जो कि आप जब बैठोगे तब वो चीज वहां पे काम आएगी। आपने जो इधर उधर घूमते हुए जो रियाज किया है चिंतनात्मक, जब आप वो सिटिंग करोगे, जब बैठ के रियाज करोगे, कंठ के रियाज करोगे, तब आपका ब्रेन तो काम आना चाहिए, उसमें कुछ खाली पड़ा रहे तो क्या रियाज करोगे वहाँ पे। करके चिंतनात्मक रियाज आपकी 24 आवर्स नींद में भी चलना चाहिए। तो शाम को सोते टाइम रियाज करने से क्या होता है कि आदमी जो सोचता है वो उसके बाद में एक घंटा तो नींद नहीं आती, नींद के बाद में वही दिमाग में चलते रहता है, फिर सपने भी शायद उसी के आते हैं, तो सपने में भी रियाज कंटिन्यू हो जाती है। तो रियाज कितनी है, 24 आवर्स उसके अंदर रियाज में डूबे रहना चाहिए। तो आप जुनून जब तक आपके ऊपर सवार नहीं है, होता नहीं, तब तक आप उस चीज में वहां तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं रखना है। अपनी खुशी के लिए गाओ, फिर चार दीवारों में अपने गाँव के अंदर, है ना, लेकिन आप सोचते हो कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है, मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, तो आपके लिए वो जो लोग वहां पे आते हैं ना वो कुछ छोड़ो, लेकिन बहुत से कुछ अच्छी तैयारी, अच्छी सोच, अच्छा सीख कर आते हैं, कि ताकि इतने बड़े मंच पे जब जाना है तो आपको पहले आपकी बेइज्जती ना हो। तो पहले से कुछ लोग 10 साल से सीखे हुए रहते हैं, कुछ नव सीखे रहते हैं, कुछ ऐसे ही जाते हैं, वैसे भी आड़े टेढ़े दिखते हैं वहाँ पे, तो ठीक है, वो सोच में नहीं रखना चाहिए। हमको अगर अच्छे मंच पे जाना है, अच्छा नाम कमाना है और वहाँ से बेइज्जत होकर नहीं वापस आना है, हमारे गुरु का नाम, हमारे माँ बाप की इज्जत उसके हाथ में रहती है,
तो पहले इतना प्रिपरेशन तैयार कर लो, प्रिपेयर रहो कि आगे चल के तुमको नहीं लगा नंबर, नहीं लगा। लेकिन अच्छा, लोग बहुत कुछ भी बोलते हैं, वो चीज ध्यान में नहीं रखना। आपको जाना है, आप जाइए। आपको अच्छा पेश करना है, आप अच्छा पेश कीजिए। नहीं नंबर आएगा चलेगा, लेकिन लोगों के नजर में तो आओगे आप अच्छे होगे तो, और बुरे होगे तो नजर से उतर भी जाओगे नजर में आगे। तो अच्छे जब हो तो अच्छा देने की कोशिश करो। फिर से बोलता हूं, अगर जो कर्म किए वैसे फल मिलते हैं, जो बोया वो अगर पाते हैं, ये सच्चा है, अगर ये सच्चाई है, तो फिर अच्छा ही बोने के बाद में अच्छा ही मिलेगी। तो अच्छा क्यों नहीं बोया जाए? इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छा काम करो, उसकी अपेक्षा मत करो कि मुझे अच्छा मिलना चाहिए, वो अच्छा मिलते ही रहेगा। अगर तुम अपेक्षा लेके बैठोगे कि मुझे रियाज इतना तो कर रहा हूं मैं, 10-10 साल हो गए लेकिन मुझे स्टेज नहीं मिल रहा है, तो वो तुम उसके लिए कर रहे हो तो निस्वार्थ भक्ति नहीं होगी। आपका निस्वार्थ सेवा रहने के बाद में ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबानी करेगा ही करेगा। आप दिखाने के लिए कोई चीज करते हो तो आप सोचो, उसकी लिमिटेशंस होती है। आप मांगते हो, मांगते 50, ऊपर वाला अगर 50-100 देने वाला हो तो आप तो खुद का नुकसान कर लिया ना, 4.5 का। आप 50 मांग रहे हो, वो 5,000 देने वाला था, 4.5 का तो आपने नुकसान कर लिया। तो उसको देने दीजिए, आपके तकदीर में जो लिखा है वो चीज होगा। आपका कर्म करना काम है, फल न देना उसकी इच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड है। आप रियाज करते रहिए, अच्छा अच्छा सोचते रहिए, अच्छा अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय गुरुदेव, नमस्कार।